जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल आरके यादव स्टडी ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल है तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आप सभी के लिए SMT यानी कि वर्कशॉप के लिए आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड इसका जो है क्वालिफिक फिकेशन क्या रखा गया है और ये जो है इस फॉर्म को कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है BSF की तरफ से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड रोज ऑनलाइन मोड फॉर्म मेल एंड फीमेल, यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि ये फॉर्म जो है मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजन, ओके। और यदि हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे नॉन ग्रेजुएटेड ये पोस्ट है जो कि ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के अंडर में ये जो है पोस्ट आता है SMT वर्कशॉप का, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। और ये जो है BSF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में जो है BSF आती है, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखा है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं SI व्हीकल मैकेनिक में यहाँ पे ऑन रिजर्व के लिए जो वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी, OBC का 4, SC का 3, ST का 1 और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करें तो 12 वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SI जो है ऑटो इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी ऑन रिजर्व के लिए 2 है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC का इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, SC के लिए 3 वैकेंसी है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 फ्रेंड्स निकल करके आ रहा है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है SI स्टोर कीपर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैकेंसी है ऑन रिजर्व के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 6 वैकेंसी निकल कर आ रही है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी दे रहा है ऑन रिजर्व में 7 वैकेंसी, EWS में 3, OBC में 6, SC में यहाँ पे 5 वैकेंसी, ST में 1 वैकेंसी, टोटल यदि हम ऐड करेंगे तो 22 वैकेंसी जो है निकल कर आ रहा है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप सभी को फ्रेंड्स जो है देखने को मिल जाएगा, टोटल 110 पोस्ट पर आप सभी की जो वैकेंसी आ रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ओवरऑल ऑल इंडिया पे वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे यदि हम बात कर लें फ्रेंड्स तो एज लिमिट की यहाँ पे 13 ईयर्स तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे पे स्केल फ्रेंड्स आप सभी को रहने वाला है, आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच आप सभी को यहाँ पे जो है सैलरी रखा गया है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है तो मिनिमम 3 ईयर्स का डिप्लोमा आप सभी को ऑटोमोबाइल्स या इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आप सभी को डिप्लोमा होनी चाहिए, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे अलग अलग पोस्टों पे वैकेंसी यहां पे फ्रेंड्स जो है निकल कर आ रही है। तो चलिए हम पूरे आप सभी को अच्छे से समझाते हैं। यहां पे फ्रेंड्स आप सभी देख पाएंगे कि ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी के अंडर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेबल OTRP मेल के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वैकेंसी कैटेगरी वाइज दे रखा है जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैकेंसी है कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के लिए कांस्टेबल OTRP के लिए और कांस्टेबल SKT, यहाँ पे कांस्टेबल फिटर के लिए है, कांस्टेबल कारपेंटर के लिए है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिक के लिए है, कांस्टेबल ऑटो इलेक्ट्रिशियन फीमेल के लिए, कांस्टेबल वी मैकेनिकल के लिए है, कांस्टेबल यहाँ पे फ्रेंड्स जो है BSTS के लिए है, कांस्टेबल BST फीमेल के लिए, कांस्टेबल वेल्डर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे वेल्डर है, यहाँ पे कांस्टेबल पेंटर है, कांस्टेबल यहाँ पे फिर जो है टर्नर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 88 वैकेंसी निकल कर आ रही है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे फ्रेंड्स जो है दे रखा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रिजर्व, EWS, OBC, यहाँ पे SC, ST, टोटल वैकेंसी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 88 वैकेंसी निकल कर आ रही है ग्रुप सी में, ओके। और ग्रुप बी में कितना वैकेंसी था फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 22 वैकेंसी। तो यदि हम 88 में 22 को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी वैकेंसी हो रही है, 8-10 के 0, हर से लेकर 110 पोस्ट भी आप सभी के लिए जो वैकेंसी आ रही है निकल गया, ठीक है। ग्रुप बी के लिए वैकेंसी यहां पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए 22 वैकेंसी है, ओके। और ग्रुप सी में आप सभी को वैकेंसी जो है 88 टोटल वैकेंसी जो कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हम यहां पे बातें कर लेते हैं कि ग्रुप सी के पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है इसके जो है
क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप सभी को मिनिमम जो है 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है, एंड इसके साथ में आप सभी को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड और 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिक्वायर्ड फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप लोग यदि 10वीं पास है एंड आप सभी के पास ITI सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, और जिस भी ट्रेड के लिए आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते उस ट्रेड में आप सभी के पास ITI सर्टिफिकेट है या 3 इयर्स के यदि आप सभी के पास वर्क एक्सपीरियंस है, यदि आप लोगों को दोनों में से कोई एक है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पे देख सकते हैं, आगे आप लोग वैकेंसी के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर चुका है नोटिफिकेशन में कि BSF के पास राइट है वो जो है भर्ती को चेंज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। अब इस आप सभी को मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस फॉर्म के लिए हम जो है आवेदन कब से कर पाएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है लास्ट डेट 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट नीट पेपर फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी आप सभी कॉन्फ्रेंस बता दें कि जब एम्प्लॉयमेंट नीट में इसका जो है आ जाएगा उस दिन से आप लोग इस फॉर्म को 13 डेज तक आप लोग इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना होगा और किस मोड में करना होगा, तो यहाँ पे एनी एडवर्टाइजमेंट विल ओनली बी पब्लिशेड ऑन BSF वेबसाइट, यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट एट देयर ओन इंटरेस्टेड आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली लॉग इन टू HTTP, यहाँ पे जो है ऑफिशियल साइट है BSF का, यहाँ से आप लोग जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है दे रखा है इस ये जो नोटिस जारी किया गया था मई 2022 में, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।